हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एंड हियर आई एम इथी दुबे एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द टेक्सटाइल वर्ल्ड। एंड हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हैं इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कसूती के बारे में। एंड ऑल्सो इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, सो प्लीज़ गो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, जिससे आप देख के बेनिफिट ले सकें एंड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है टेक्सटाइल से रिलेटेड उसको आप क्वालिफाई करें ईजिली। तो हम आज पढ़ेंगे कसूती एम्ब्रॉयडरी के बारे में। कसूती एम्ब्रॉयडरी कहाँ की फेमस है? कसूती एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। तो आज हम देख लेते हैं क्या है। कसूती इज वर्ल्ड फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ कर्नाटका स्टेट, अर्लियर नोन एज मैसूर स्टेट। कर्नाटका स्टेट को हम पहले मैसूर स्टेट के नाम से जानते थे। द मोटिव्स एंड आर्ट्स इज़ अ पार्ट ऑफ वुमेंस बर्ड। जो इसके मोटिव्स एंड जो इसके आर्ट्स होती हैं वो वुमेंस बर्ड के इर्द गिर्द रहती हैं, क्योंकि मतलब इसका जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो वुमेंस के द्वारा ही की जाती है, इसमें कोई भी मैन पार्टिसिपेट नहीं करता है। कसूती एम्ब्रॉयडरी स्पीक्स अबाउट द पीपल पीपल ऑफ कर्नाटका, देयर ट्रेडिशंस, कस्टम एंड प्रोफेशनल। तो जो कसूती एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें इसी टाइप के मोटिव्स यूज़ करते हैं। मोटिव्स क्या, इसमें हम जो ये एम्ब्रॉयडरी अपने ट्रेडिशन को, कस्टम्स को और प्रोफेशन को शो करती है, जो कि सारी एम्ब्रॉयडरी ही शो करती हैं। इट इज़ सेड दैट कसूती रिसेम्बल्स द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड स्पेन। द वर्ड कसूती कंप्राइज्ड ऑफ कै एंड सूती। कै और सूती के को मिलाने से कसूती बनता है। कै मतलब होता है हैंड एंड सूती मतलब कॉटन कपड़ा। जो कॉटन का कपड़ा होता है उसे हम सूती बोलते हैं। दैट इज़ कसूती इज़ हैंड वर्क ऑफ कॉटन थ्रेड इन कर्नाटका लैंग्वेज। कर्नाटका लैंग्वेज में कसूती जो होती है वो हैंड वर्क ऑफ कॉटन थ्रेड से होती है। कसूती एम्ब्रॉयडरी वॉज फेमस इन मैनी प्लेसेस, स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजापुर, धारवाड़, बेलगांव, मिराज, सांगली एंड जमकांडी। तो ये जो स्टेट्स हैं कर्नाटका के, तो वहीं पे कसूती एम्ब्रॉयडरी फेमस है। इसके कंटिन्यूशन में देख लेते हैं। दिस एम्ब्रॉयडरी इज प्रिपेयर्ड बाई वीमेंस फॉर देयर पर्सनल यूज। इन ओल्ड डेज इट वॉज अ कस्टम दैट द ब्राइड हैड अ पॉसेस अ ब्लैक सिल्क साड़ी कॉल्ड चंद्रकली साड़ी विथ कसूती वर्क ऑन इट। तो जो ब्राइड होती थी पुराने समय में वो ये साड़ी बियर करती थी, जो कि सिल्क की ब्लैक साड़ी होती थी और उसमें कसूती वर्क होता था, उसको हम क्या बोलते थे, चंद्रकली साड़ी। As a matter of fact, traditionally this embroidery is done on sari and blouses. तो traditionally जो traditionally चीज़ें चली आ रही हैं वो, तो उसमें ये show किया गया है कि ये embroidery mostly जो है saris and blouses में use की जाती है। The five garment on which kasuti was done were, जो पांच garment हैं जिनमें कसूती की जाती है वो है कुंची, कुंची मतलब होता है bonnet and cape, केप बोनट एंड केप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं कुंची। देन लहंगा, लहंगा मतलब जो हमारे स्कर्ट टाइप का होता है, लहंगा जो हम पहनते हैं। देन सेरागू, सेरागू जो होता है पल्लू, और साड़ी का जो पल्लू होता है उसको हम सेरागू बोलते हैं। एंड कुसुबा, कुसुबा जो होता है वो बॉडीज होती है, अपर बॉडीज लहंगे का, जैसे हम जो लहंगा पहनते हैं उसकी जो अपर बॉडीज होती है उसको हम कुसुबा बोलते हैं। एंड कुलई इज़ बोनट, कुलई जो होता है उसे वो बोनट होता है। अब देख लेते हैं कि इस एम्ब्रॉयडरी में मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। तो द मटेरियल ऑन विच द कसूती एम्ब्रॉयडरी वॉज डन अर्लियर वॉज मोस्टली खांस। खांस मतलब यूज्ड एज ब्लाउज पीसेस, मोस्टली ब्लाउज के पीसेस पे हम ये एम्ब्रॉयडरी करते थे। एज लरकत साड़ीज एंड लरकत साड़ीज में हम ये एम्ब्रॉयडरी करते थे, जिससे कि इसमें बताया कि साड़ीज़ एंड ब्लाउजेज में हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तभी यहाँ होता है। टुडे कसूती एम्ब्रॉयडरी इज़ डन ऑन एनी टाइप ऑफ फैब्रिक। अब क्या है, अब किसी भी तरीके के फैब्रिक पे कसूती एम्ब्रॉयडरी कर दी जाती है। इट इज़ डन ऑन टेबल क्लॉथ्स, कर्टेन, कुशन कवर्स एंड मैनी अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स ऑफ हैंड वूवन क्लॉथ्स।
अब देख लेते हैं हम कलर्स एंड मोटिव्स। कलर्स और मोटिव्स कौन से यूज किए जाते हैं इन कसूती डिज़ाइन, कसूती एम्ब्रॉयडरी में? तो पहले कलर देख लेते हैं। द कलर मोस्टली यूज फॉर कसूती आर ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल एंड रेड। तो ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल एंड रेड जो कलर हैं वो मोस्टली कसूती एम्ब्रॉयडरी के लिए हम यूज़ करते हैं। द कलर कॉम्बिनेशन इन दीज फोर कलर इज़ रेड, ऑरेंज एंड पर्पल, और पर्पल और रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो ये हम जो कॉम्बिनेशन इन चार कलर जो प्राइमरी कलर्स एक तरीके से हम, नहीं प्राइमरी नहीं है ये, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल एंड रेड कलर्स के जो कॉम्बिनेशन से और कलर्स बनते हैं वो कलर्स भी हम यूज़ करते हैं इसमें। वाइट इज़ प्रीडोमिनेंट ऑन अ ब्लैक एंड डार्क बैकग्राउंड। ब्लू एंड येलो आर रेयरली यूज, ब्लू एंड येलो बहुत ही रेयर यूज़ किए जाते हैं। वेयर इज ब्राइट पिंक, पेल ग्रीन एंड लेमन येलो आर हार्डली यूज। ब्लू और येलो हैं वो बहुत रेयर यूज़ किए जाते हैं, एंड ब्राइट पिंक, पेल ग्रीन एंड लेमन येलो हार्डली यूज, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम मात्रा में यूज़ किया जाता है ये कलर। देन हम देख लेते हैं मोटिव्स कौन से यूज़ किए जाते हैं इसमें। सो द मोटिव्स यूज्ड इन कसूती आर फ्रॉम टेम्पल आर्किटेक्चर, द गोपुरम्स ऑफ साउथ इंडियाज, रथ्स एंड पलंग्स, बर्ड्स मोटिव्स एंड पैरट्स एंड पैरट्स पिकॉक। बर्ड्स में क्या क्या आता है? पैरट्स, पिकॉक, स्वान एंड स्क्वायरल। एनिमल मोटिव्स यूज्ड लाइक सैक्रेड बल, मतलब नंदी होता है, द एलिफेंट एंड द डियर। ये सारे एनिमल एंड बर्ड्स के जो मोटिव्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नियर द पल्लू लार्जर डिज़ाइंस आर डिपेक्टेड। जो पल्लू में होता है देखते हैं आप, नॉर्मल साड़ीज़ में भी पल्लू पूरा भरा हुआ होता है, एम्ब्रॉयड्री या प्रिंट जो भी होती है, तो इसमें क्या लार्जली डिपेक्टेड होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं सच एज टेम्पल, एनिमल्स एंड हॉद, नंदी एंड सेक्रेड बल्स, पैरट्स एंड पीकॉक एक्सेट्रा। हम इसके मोटिव्स हम यूज़ करते हैं एम्ब्रॉयड्री के लिए। दे आर फॉलोड बाई मोटिव्स ऑफ डिमेंसिंग साइज लाइक फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। सो फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो हैं इनमें यूज़ किए जाते हैं मोटिव क्रिएट करने के लिए। अब देख लेते हैं स्टिचेस कौन सी यूज होती हैं। हमने कलर और मोटिव्स देख लिए, अब इनको क्रिएट करने के लिए जो स्टिच होती है वो कौन सी यूज़ होती है, तो मैं आपको बता दूँ मोस्टली इसमें हम डार्निंग स्टिच करते हैं। डार्निंग जो कि ऐसे रनिंग स्टिच होती है हमारी, और इसमें हम नॉटिंग नहीं करते हैं थ्रेड की। जब हम, मतलब जैसे हम स्टार्ट करते हैं कोई भी स्टिच करने को, तो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसमें हम नॉट लगा देते हैं जिससे वो धागा निकले नहीं, लेकिन हम कसूती में नॉट नहीं लगाते हैं, सिर्फ हम उसमें बैक स्टिच कर देते हैं छोटी सी वो भी, जिससे धागा टिका रहे, निकले ना। तो और यार्न काउंट के अकॉर्डिंग ये एम्ब्रॉयडरी होती है। तो अब हम देख लेते हैं, थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। द सीक्रेट ऑफ दिस एज ओल्ड एम्ब्रॉयडरी फॉर्म इज दैट इट कैन बी डन ओनली बाय काउंटिंग द थ्रेड एंड वार्प एंड वेफ्ट एंड नेवर द डिज़ाइन इज स्टेज्ड इन द मटीरियल। जैसा कि मैंने बताया इसमें काउंटिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जो इसका फैब्रिक होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ईजिली काउंटेबल होता है, इस टाइप का फैब्रिक होगा। तो इसमें हम काउंटिंग करते हैं थ्रेड्स की, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें यार्न इंसर्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। वार्प और वेफ्ट में कभी भी डिज़ाइन जो है इसमें ट्रेस नहीं की जाती है, सिर्फ हम यार्न काउंटिंग से बनाते हैं। देन एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट विदाउट नॉटिंग थ्रेड विद अ टाइनी बैक स्टिच, छोटी सी बैक स्टिच कर दी जाती है जिससे हमारा धागा निकले नहीं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली स्टिच आर यूज्ड। तो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली स्टिच यूज करी जाती हैं इसमें। द मोटिव्स हैव टू बी कम्प्लीटेड एज द स्टिचिंग लाइन कम्स बैक टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। इन सच केसेस द रॉन्ग एंड राइट साइड आर लाइक, एक सी होती है रॉन्ग साइड। अगर हम मतलब आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं कि हमें जो हमारी फ्रंट और बैक साइड सेम लगे, तो इस केस में जो होता है हमारी फ्रंट और बैक साइड दोनों सेम होती है, राइट और रॉन्ग साइड दोनों सेम होती है। अब देख लेते हैं कसूती के अंदर हमारी चार तरीके की और एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं गावंती, मुर्गी और मुरागी, नेगी एंड मेहंती। ये चार तरीके की स्टेजेस और होती हैं, यहाँ पे इन सब की इमेजेस दी हैं मैंने, तो इन इमेज के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम पढ़ लेते हैं गावंती क्या होता है।
The Gavanti is double running stitch and is commonest among all the other stitches used in कसूती एम्ब्रॉयडरी. तो ये मोस्ट कॉमन एम्ब्रॉयडरी है. कसूती में जितनी भी एम्ब्रॉयडरी यूज़ की जाती हैं इसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये रनिंग स्टिच होती है. बाकी में क्या है, वेरिएशन लाने के लिए हम ज्योमेट्रिकल मोस्टिव्स स्टेल्स टाइप में स्ट्रक्चर बना देते हैं, किसी में हम वीविंग इफेक्ट लाने के लिए बना देते हैं, तो इस टाइप से. लेकिन इसमें क्या है, नॉर्मली सिर्फ हम गावंती में रनिंग स्टिच करते हैं, तो ये ईजिएस्ट एंड कॉमनेस्ट मेथड है. देन सेकेंड वन इज़, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं गावंती का सेकेंड वन इज़ मुरागी. मुरागी क्या है, दिस मीन ट्विस्टेड. इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ होल इन स्टिच. ये कुछ गलत लिखा है, मैं चेक करूँगी. इट हैज़ अ जिगजैग नेचर. इसका जिगजैग नेचर होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा. दिस कैन बी मेड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली और डायगोनली. द डायगोनल पैटर्न विद द लैडर लाइक अपीयरेंस. लैडर मतलब सीढ़ी लाइक अपीयरेंस आता है कुछ. इज़ यूज्ड मोस्ट पॉपुलरली. मुरागी इज ऑल्सो यूज टू फिल अ पैटर्न्स. दिस स्टिच इज रिवील एज शोज अप एंड द सेम ऑन द फ्रंट एंड रिवर्स साइड. फ्रंट एंड बैक बोथ साइड ये सेम होती है. देन थर्ड, यहाँ पे आप देख लीजिए मुरागी का लैडर लाइक स्ट्रक्चर है. फ्रंट बैक में दोनों सेम होती है. ये फ्रंट व्यू है इसका. देन नेक्स्ट वन इज नेगी स्टिच. नेगी स्टिच क्या होती है, द वर्ड नेगी ओरिएंटेड फ्रॉम द कन्नड़ा वर्ड नेग. नेग मीन्स क्या होता है, वीव. इसका मतलब ही वीव होता है. इट इज़ द टिपिकल पैटर्न डार्निंग स्टिच. इट यूजेज रनिंग स्टिच टू मेक पैटर्न एंड गिव्स वीव इफेक्ट. तो इसके जो पैटर्न बनते हैं वो रनिंग स्टिच से, मतलब रनिंग स्टिच टाइप के बनाए जाते हैं, लेकिन इस टाइप के बनाए जाते हैं कि कुछ ये वीव लाइक स्ट्रक्चर इफेक्ट दें. दिस स्टिच इज रिवर्सिबल बट दे टेंड टू बी लाइक मिरर इमेज टू ईच अदर. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये भी, मतलब ये भी रिवर्सिबल है. इसमें भी हम मिरर लाइक इमेज आती है. ये रिवर्सिबल नहीं होती है हमारी, क्योंकि जब हमारे इतने लंबे फ्लोट्स आएंगे इसके बाद हम नीचे जाने के लिए हमारा बैक साइड पे ऐसा आएगा, तो ये मिरर इमेज नहीं होती है हमारी. एंड हमारी दिस मुर्गी जो होती है इसमें हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, लेकिन हम नेगी में नहीं कर सकते हैं और गावंती में भी नहीं कर सकते हैं. देन हमारा मेंथी आया. मेंथी क्या है, दिस मीन फेनिग्रिंग मेथी. फेनिग्रिंग मतलब मेथी होता है. इज़ अ क्रॉस स्टिच एंड इज़ यूज टू कवर अब द बैकग्राउंड ऑफ डिज़ाइन. इट इज़ डन बाई काउंटिंग द वार्प एंड वेब थ्रेड्स. इट यूज्ड द टिपिकली क्रॉस स्टिच टू फिल द पैटर्न और मोटिव. दिस स्टिच इज़ नॉट रिवर्सिबल. ये भी जो स्टिच है हमारी रिवर्सिबल नहीं होती है. ओके, तो मुर्गी स्टिच जो होती है वो सिर्फ हमारी रिवर्सिबल होती है, बाकी हमारी स्टिचेस जो होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती है. और मेंथी स्टिच को हम फिलिंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, जो हमारा स्पेस बचा रह जाता है एम्ब्रॉयडरी के बाद. तो ये क्रॉस लाइक एम्ब्रॉयडरी आती है ऐसा ऐसा करके, तो हम इसको फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो होप ये चारों एम्ब्रॉयडरीज आपको क्लियर हो गई होंगी. अभी मैं आपको थोड़ा इमेज दिखा देती हूँ. तो मोटिव्स विद गावंती स्टिचेस एंड मुर्गी स्टिचेस का है, मुर्गी और मुरागी स्टिच. एंड देन ये है मोटिव्स ऑफ नेगी स्टिच के मोटिव्स हैं ये. Here is the motifs of मेंथी स्टिच. ये मेंथी स्टिच के हैं. देन मोटिव्स जो हैं मोस्टली यूज़ किए जाते हैं एनिमल का, पीकॉक मोटिव्स, डियर मोटिव्स, फ्लोरल मोटिव्स. तो ये सारे मोटिव्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं वो हैं ये टेम्पल मोटिव्स, एलिफेंट मोटिव्स, बर्ड्स मोटिव्स. ये देखिए टेम्पल वाले, तो ये सारे मोटिव्स जो हम यूज़ करते हैं. ये डिज़ाइंस हैं. देन ये बॉर्डर इफेक्ट, इस टाइप के बॉर्डर इफेक्ट बनते हैं. सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद मी. थैंक यू, बाय बाय.